ਓਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਿਟ ਇਨਸੇਨ ਪਾਵਰ ਦਿਸ ਮਾਈ ਗਾਸ सब गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल TRP Vlogs में। सो गाइस आपने आज तक मॉडिफिकेशंस बहुत देखी होंगी, बट आज जो आप देखने जा रहे हो शायद ही आपने कभी ऐसी बाइक या ऐसी मॉडिफिकेशन अभी तक देखी हो, और अगर देखी हो तो जो आज हम लोग आपको दिखाएंगे वो बहुत अलग चीज़ होगी। पहले रिप्रेजेंटेशन में समझ नहीं आता कि बाइक कौन सी है, किस ब्रांड से बिलोंग करती है, क्या ये कावासाकी है, क्या ये डुकाटी है। और मैं आपको अभी बाइक दिखाऊंगा, तो आप मेक श्योर कि कमेंट करके बताएं कि आपको फर्स्ट लुक में ये बाइक कौन सी लगी है। तो चलिए डायरेक्टली बाइक पर हम चलते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नहीं है तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप मेरी कोई भी फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। तो आप डायरेक्टली बाइक पे शुरू करते हैं। तो गाइस ये रही बाइक जिसके बारे में बात कर रहा था, कावासाकी निंजा 650, जो कि अब ऐसी दिखती है कस्टमाइज करने के बाद। मैं आपको स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा कि 2000 जो ओल्ड मॉडल्स आते थे कावासाकी निंजा 650 के, वो कैसे हैं और ये बाइक कैसी है। और ये बाइक टोटली कस्टमाइज की है टूरिंग पर्पज़ के लिए। इसमें डिफरेंट टाइप की टूरिंग एक्सेसरीज और टूरिंग किट लगी हुई है, क्या क्या अभी चेंजेस इस बाइक के अंदर है। सो गाइस अब मैं उनको बुलाना चाहूँगा जिनसे ये बाइक बिलोंग करती है, पवन भैया, जिन्होंने मेरे को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी इस बाइक को रिव्यू करने के लिए। तो डायरेक्टली पवन भैया को बुला जाए। पवन भैया आ जाइए। पवन भैया वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपने मेरे को इस बाइक को रिव्यू करने का मौका दिया, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। सो अभी आप बताइए ऑडियंस को, आपने इस बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस करे हैं और क्या क्या इस बाइक के अंदर आपने मोड्स करे हैं। नाउ दिस इज कंप्लीटली कस्टमाइज्ड यूनिट, ये निंजा 650 2015 मॉडल है, जिसमें हैंडल बार, फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन, एग्जॉस्ट, ECU रीमैप हुआ हुआ है, प्लस सैडल बैग्स लगे हैं। टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट, इसमें फ्रंट सस्पेंशन अलॉन्ग विद ट्रिपल टी एंड बेयरिंग्स चेंज्ड है। ये KLR 650 के सस्पेंशन है और ये GS 1250 का हैंडल बार है। GS के ही गार्ड्स हैं विद इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड, क्रैश केज कस्टमाइज्ड है। जो कावासाकी वर्सियस के लिए आता था, फिर कस्टम HID फॉग लैम्प्स लगाए हैं, स्ट्रोब लाइट्स है, और सस्पेंशन रेयर सस्पेंशन भी चेंज किया है। इसमें ऑलमोस्ट 220 mm का फ्रंट ट्रैवल है और 200 mm का रेयर ट्रैवल आएगा। फिर ये GV के हैं माउंट्स, मंकी माउंट। ये एग्जॉस्ट एक्रापोविक का जो है वो H2 का है। फ्रंट हेड इसका जो फेस देख रहे हैं आप नोज, ये इसमें डुकैटी हाइपरस्ट्राडा 950 का लगा हुआ है विद हेडलाइट्स एंड ऑल द ब्रैकेट्स रिक्वायर्ड। इसमें ब्रेक लाइन डुकैटी मल्टी स्ट्राडा की लगी है। ये सारे बटन इसकी फॉग लाइट्स और लाइट इंडिकेशंस के ऊपर हैं कि कौन सी लाइट कब और किस मोड में ऑन करनी है। जैसे इसमें स्ट्रोब भी है, लो बीम, हाई बीम, स्ट्रोब मोड, फिर HID फॉग लैम्प्स और बाकी बटन इसके फ्लैशर्स के लिए हैं जो पास लाइट होती है। बीइंग अ स्टॉक बाइक,
It used to make 71 bhp and presently after the ECU remap it is an exhaust BMC air filter. It is doing approximately 84 bhp, or dry weight of approximately 200 kilograms and a top speed of 280 kilometers per hour. इसमें टायर्स कॉन्टिनेंटल ट्विन डोरो के लगे हैं. ये 100% ऑफ रोडिंग टायर है. 80-20 की रेशो में भी कहा जा सकता है. विच स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ 80% ऑफ इट्स लाइफ ऑफ रोड एंड 20% ऑफ इट्स लाइफ ऑन रोड. इसमें ऑटो टेंशनर लगा हुआ है जो कि अभी रिप्लेस होगा CNC से. अभी जैसे आप देख रहे हैं कि 100% फाइनलाइज नहीं हुई है बाइक. रेयर टायर भी कॉन्टिनेंटल GT ट्विन डोरो का है 180 साइज में, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम साइज फॉर एनी ट्विन ड्यूरो. रेस्ट ऑल आर कस्टम मेड टायर्स और कस्टम ऑर्डर्ड एज इट इज स्टॉक है. ये CNC पार्ट्स बने हैं, फ्रंट फुट पैग होल्डर एंड रेयर फुट पैग होल्डर, सो दैट इट कैन अकोमोडेट द GV पैनियर होल्डर्स. अब सारा माउंटिंग हार्डवेयर ये GV का लगा हुआ है, ये और साइड पैनियर्स के लिए. एंड रिगार्डिंग द कॉस्ट, अगर हम बात करें कि इसे अगर कोई रेडी करे एज इट इज़ जैसे ये रेडी हुई है तो कितना खर्चा आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 lakhs गिव और टेक. तो गाइस इट्स माय टर्न कि मैं इस बीस्ट को एक बार ट्राई करूँ. एक बार तो ट्राई करना बनता ही है. तो लेट्स सी कि ये बाइक मेरे हाथों में कैसी रहेगी और मेरा रिव्यू क्या रहेगा इस बाइक को लेके. तो डायरेक्टली हम लोग बाइक के ऊपर आते हैं. ओके सो गाइस आई एम रेडी टू राइड दिस बीस्ट. और फर्स्ट लुक आप लोगों ने जैसे देख लिया, बहुत इंक्रेडिबल बाइक लग रही है यहाँ पे. और लेट्स सी यहाँ पे ट्राई करके. ओके सो थैंक यू. ओके सो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. और यहाँ पे बाइक की अगर हाइट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टॉल बाइक है ये. बहुत ज़्यादा टॉल फील हो रही है यहाँ पे मेरे को. और हैंडल बार्स भी काफ़ी आगे की तरफ है तो जिससे मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे लिए इजी रहेगा यहाँ पे. हाँ अभी एक बार पुश करके देखते हैं बाइक स्टार्टिंग गियर में. और अभी एक थोड़ा सा स्ट्रेच मिला, लेट्स सी फर्स्ट गियर कहाँ तक जाएगा. पावर वीली लगी शिट. वन फिर से ट्राई करते हैं हम फर्स्ट गियर में जाने के लिए कि कितना जाएगा ये बाइक. ओके यहाँ पे जंप करके देखते हैं एक बार. सस्पेंशन के मामले में बात करूँ तो सस्पेंशन बहुत ज़्यादा इजी है इस बाइक का. मतलब बहुत इजी चीज सस्पेंशन में फील हो रही है यहाँ पे मुझे. कोई प्रॉब्लम तो लग नहीं रही, बहुत ज़्यादा सस्पेंशन वाली है. ठीक है बाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल बाइक लग रही है. पावर भी बहुत ज़्यादा, अगर बाइक की मैं मोड्स की बात के अगर मैं यहाँ बाइक की मोड्स के हिसाब से बात करूँ तो बाइक जिस हिसाब से डेवलप करी गई है यहाँ पे तो बहुत इजी टू राइड बाइक लग रही है. और Man, shit, insane power this bike has. Let's start. So, guys, agar yahan pe bike की बात करूँ तो मेरे को पर्सनली बाइक बहुत ज़्यादा रिफाइन और कंफर्टेबल लगी है फॉर लॉन्ग राइड एज वेल एज फॉर शॉर्ट राइड. अगर मैं बाइक के सस्पेंशन की बात करूँ तो बाइक मेरे को एक यहाँ पे कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है. हर ऑब्स्टिकल से मेरे को
यहाँ पे ज़्यादा फील नहीं होता है कि कोई ज़्यादा बम्प है यहाँ पे। अगर इन टर्म्स ऑफ अगर मैं पावर और परफॉर्मेंस की बाइक करूँ तो जो बाइक है वो अपनी स्टॉक वर्जन से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेटर है और मतलब ज़्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे अगर ट्रैफिक में लेके जाते हैं हम लोग बाइक को, तो यहाँ पे इसके जो वाइड और अपलिफ्टेड हैंडल बार है वो मेरे को फुल असिस्ट प्रोवाइड कर रहे थे कटिंग में, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी बाइक को ट्रैफिक के अंदर कटिंग करने में। और बाइक ज़्यादा हीटअप नहीं होती है, मतलब बहुत जल्दी हीटअप नहीं होती है बाइक ट्रैफिक के अंदर, और एक मतलब बहुत लाइट फील देती है जैसे बाइक, बल्कि लुक फील होता है बाइक का वैसा बिल्कुल नहीं है। बाइक हैंडलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब ईजी होती है। और सो गाइस, अगर आप लोगों की इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पे मेरे को फॉलो करके आप मेरे को वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस, अभी आप लोगों ने इस बाइक के क्लिप्स देखे जो कि हमने ऑफ रोडिंग के करे। आई होप आप लोगों को ये क्लिप्स पसंद आए होंगे। सो गाइस, मैं आज की वीडियो का रैपअप यहीं करता हूँ, और ऑल थैंक्स टू पवन भैया जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों को और इस बाइक को रिप्रेजेंट किया हमारे सामने। तो गाइस, हम लोग यहीं से आपसे इजाज़त चाहते हैं, मैं यहीं वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, लीव डाउन योर कमेंट्स बिलो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, ये अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो। तब तक के लिए मैं आपसे आपका दोस्त साहिल धीमान इजाज़त चाहता हूँ, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, सी यू।